तो दोस्तों डीवीआर के अंदर जो हमारा कैमरा लगा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने एक कैमरा यहाँ लगा रखा है, ये 4 का डीवीआर है, तो 4 स्क्रीन है मेरे पास, 8 का हो, 16 का हो, जितना का भी डीवीआर हो, सेटिंग तो सब में सेम ही मिलेगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं कैमरा, अब ये 4 कैमरा अगर यहाँ पे लगे हुए हैं और आप चाहते हैं कि भैया हमारा एक कैमरा बड़ा हो जाए, कुछ मिनट के बाद वो हटे दूसरा आ जाए, वो हटे तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, ऑटो चेंज होता रहे, है ना, ऑटो स्क्रीन हमारा रोटेट होता रहे, तो वो सेटिंग कैसे करेंगे सीपी प्लस डीवीआर के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। तो किसी भी खाली जगह पे राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद मेन मेन्यू पे आपको क्लिक करना है, जो भी पैटर्न या पासवर्ड आपने डाला है डाल के आप उसे लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन जैसे ही करेंगे अब आपके पास मेन्यू खुल के आ चुका है। मेन्यू में आने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे, डिस्प्ले पे क्लिक करना है, डिस्प्ले के अंदर आपको मिल जाएगा टूर सेटिंग का ऑप्शन, तो टूर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सेटअप आपके सामने ओपन होके आएगा, टूर सेटअप। अब यहाँ पे मेन स्क्रीन के ऑप्शन के अंदर इनेबल करने का जगह आपको दिखेगा, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इनेबल कर लेना है, ठीक है, इनेबल कर दिए। दूसरा यहाँ पे क्या है, इंटरवल, यानी एक फुटेज के बीच में दूसरे फुटेज जब आएंगे तो कितना समय लेगा, तो यहाँ 5 सेकंड है, तो इसे आप चाहे क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं 55 मिनट, मतलब कुछ भी जो भी आपको डालना है, ठीक है। और एक चीज आप यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 देना चाहें तो वो नहीं लेगा, ठीक है। जैसे देखिए 1 डाला, क्लिक किया, ऑटोमेटिक 5 हो गया, लेकिन 5 और 5 के बाद आप कुछ भी डाले, 6 डाले, देखिए वो ले लेगा। तो 5 सेकंड से कम का इंटरवल आप नहीं लगा सकते, कम से कम मिनिमम 5 तो लगाना होगा, मैक्सिमम आप जो भी लगा ले, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, बाकी और कोई सेटिंग को आपको कुछ नहीं करना है। इसको करने के बाद नीचे अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद अब चलते हैं मेन स्क्रीन पर, राइट क्लिक करेंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे, मेन स्क्रीन पर आ गए। अब देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, अभी 4 का सेटअप यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखिए 1 नंबर कैमरा आया, थोड़ा सा और वेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे हाथ यहाँ है, आप देख लो, ये 2 हुआ और स्टूडियो में और कोई भी नहीं कर रहा है भाई मेरे। खैर 2 नंबर कैमरा आया, 3 नंबर कैमरा आया, 4 चैनल है तो कितने कैमरा आएंगे, 4। अभी देखिए वहां पे नंबर दिख रहा है 3, अभी हो गया 4 नंबर। 4 नंबर आने के बाद ये अगेन अब क्या करेगा, क्योंकि 4 तो हमारा कंप्लीट हो गया, तो 4 आने के बाद एक बार फुल स्क्रीन में लाया और 4ों को एक साथ दिखाया इसने, देख रहे हो। और फिर थोड़ी देर बाद 5 सेकंड के बाद ये 1 पे आ गया। तो इसी तरह से आप अपने स्क्रीन को मल्टी रोटेशन में डाल के रख सकते हैं और ये बहुत मजा भी आता है देखने में, लगा हुआ एक एक करके कैमरा का हमारा वीडियो चल रहा होता है तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है ये, है ना। तो इस तरह से आप सेटिंग कर पाइएगा बहुत इजीली। तो सिंपली क्या करना है, मेन मेन्यू में आना है, डिस्प्ले के अंदर टूर सेटिंग में आना है, इनेबल करना है, टाइमिंग डालना है, अप्लाई करना है, दैट्स ऑल, बस इतना ही करना है। तो इसी तरह से बहुत इजीली आप ऑटो रोटेशन कैमरे को ऑन कर पाएंगे और थोड़ा सा अपने सेटअप को कूल बना पाएंगे। और दोस्तों सीपी प्लस डीवीआर से रिलेटेड और जितने भी सेटिंग्स हैं, छोटे छोटे क्लिप में मैंने वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल दिया है, मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए, सीपी प्लस डीवीआर के नाम से, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने प्लेलिस्ट को ऐड कर दिया, तो आप चेकआउट कर लीजिए। और कुछ भी जानना चाहते हैं सीपी प्लस डीवीआर से रिलेटेड तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।